हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू तेरेंट क्लासेज आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास इलेवन की पॉलिटिकल साइंस की बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन और बच्चों इसी चैप्टर के कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके लिए लेकिन इतना कहना चाहूंगा जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो इसी का आपको पार्ट वन और पार्ट टू यानी दो वीडियो मिलने वाले हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको बताना हैज वट द मोस्ट इंपोर्टेंट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस यानी क्या चीज ऐसी है जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सबसे एक बड़ा या सबसे इंपॉर्टेंट विजिबल सिंबल है तो ऑप्शन आपके सामने है पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल लीडर्स इलेक्शन या फिर पीपल तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है इलेक्शन जो है वो सबसे बड़ा सिंबल है कि एक्चुअल में ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का बहुत बड़ा आ, हिस्सा है तो इसलिए इलेक्शन से ही पता चल जाता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है और ये एक डेमोक्रेटिक वे से काम हो रहा है क्वेश्चन नंबर टू में देखिए व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब बताना है तो ऑप्शन आपके सामने है डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द डे टू डे डिसीजन मेकिंग और वी आर सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हम कहीं ओनली ऑप्शन ए करेक्ट है या कहीं बोथ एंड बी दोनों ही राइट right हैं तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ एंड बी आर करेक्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए विच एशियंट सिटी स्टेट हैज बीन कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अगर एग्जाम्पल माना जाए तो कौन सी जो पुरानी सिटी है उसको हम कह सकते हैं तो ऑप्शन आपके सामने है फ्रांस स्पेन ग्रीस या फिर रोमन एम्पायर तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है ग्रीस यानी ग्रीस को हम सिटी स्टेट यानी कैसी सिटी स्टेट कह सकते हैं जहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल आपके सामने आ, मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए मैनी कंसीडर लोकल गवर्नमेंट स्पेशली यानी बड़े सारे जो हैं वो ये मानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट स्पेशली अब इस ब्लैंक में आपको फिल करना है टू बी द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो फिल इन द ब्लैंक में आपको क्या फिल करना है यानी जो लोकल गवर्नमेंट का एक पार्ट है वो चाहे ग्राम सभा ग्राम पंचायत या नगर पालिका या फिर ऑल ऑफ दीज तो इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए जो कि क्लोजेस्ट एग्जाम्पल है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है ग्राम सभा ग्राम सभा जो है वो लोकल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए व्हाट डज रूल बाय द पीपल यूजुअली मीन यानी जो रूल बाय द पीपल हम कहते हैं कि ये uh, लोगों का रूल है उसका मतलब क्या होना चाहिए रूल ऑफ कॉमन मैन रूल ऑफ बिग लीडर्स रूल ऑफ पॉपुलर लीडर्स और रूल ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव वेरी सिंपल यहां करेक्ट आंसर है रूल ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो है उसका मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए व्हाट इज द मेथड यूज्ड टू चूज दीज रिप्रेजेंटेटिव रेफर टू एस यानी उस मेथड को हम क्या कहेंगे जो इन रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ऑप्शन आपके सामने है वोट वोटर इलेक्शन या फिर ब्राइब तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है इलेक्शन यानी इन लीडर्स को चुनने का सबसे बढ़िया मेथड है इलेक्शन एक इलेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप किसी को भी वोट दे सकते हैं चूज कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए व्हाट इज टू अबाउट आर डेमोक्रेटिक इलेक्शन आपको डेमोक्रेटिक इलेक्शन की जो एक सही बात बतानी है उसके बारे में तो क्या पीपल वोट यानी लोग वोट डालते हैं या फिर हम कहें देयर प्रेफरेंस डिसाइड्स हु विल विन द इलेक्शन या उनकी जो प्रेफरेंस है वो बताती है कि कौन जीतेगा और थर्ड ऑप्शन में आता है दे आर ऑलवेज प्राइव यानी ये भी कहें कि जो लोगों को रिश्वत भी दी जाती है हम कहें बोथ भी दोनों करेक्ट हैं तो लगता है आपको करेक्ट आंसर होना चाहिए तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है बोथ ए बी दोनों ही कहेंगे कि लोग वोट भी देते हैं और उनकी जो प्रेफरेंस है वो डिसाइड करती है हु विल विन द इलेक्शन और थर्ड ऑप्शन तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे दे आर ऑलवेज प्राइव्ड ऐसा नहीं होता क्वेश्चन नंबर एट में देखिए विच मूवमेंट इज कंसिडर्ड एज द हिस्टोरिक मूवमेंट इन इंडियाज डेमोक्रेसी आपको बताना है कौन सा मूवमेंट ऐसा है जो इंडिया की डेमोक्रेसी में एक हिस्टोरिक मूवमेंट माना गया ऑप्शन आपके सामने तो बात करें जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे 1984 में जब कांग्रेस पार्टी ने जीती थी 415 सीट्स आउट ऑफ 543 यानी बहुत बड़ी विक्ट्री बहुत बड़े मार्जिन के साथ सेकंड ऑप्शन है लोकसभा इलेक्शंस 1986 में हुए थे जब उन्होंने इतनी ही सेम सीटें जीती थी या फिर लोकसभा इलेक्शन जो 1987 के हुए थे या फिर जो लोकसभा इलेक्शंस थे वो 1987 के जब उन्होंने 413 सीट जीती थी आउट ऑफ 543 तो माइनर से चेंजेस हैं तो आपको बच्चों क्या लगता है करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर एग्जैक्ट तो आंसर है ऑप्शन एन फोर फिफ्टीन सीट जो उन्होंने जीती थी और वो भी नाइनटीन एटी फोर में आउट ऑफ फाइव फोर्टी थ्री सीट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए हाउ मैनी कॉन्स्टिट्युएंसीज आर देयर इन इंडिया इंडिया के अंदर यानी इनका मतलब क्या है जहां पर इलेक्शन लड़े जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एम पीज बनने के लिए कितनी है कॉन्स्टिचुएंसीज तो ऑप्शन आपके सामने है फाइव फोर्टी टू फाइव फोर्टी थ्री फाइव फोर्टी फोर फाइव फोर्टी फाइव तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर हम लेंगे 543 फोर्टी के लिए जो कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन नंबर टेन में देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफ पी आपको एफ पी की फुल फॉर्म बतानी है तो ऑप्शन आपके सामने है फर्स्ट द पोर्ट फर्स्ट पास द पोस्ट फर्स्ट पैन द पोस्ट और फ्रॉस्ट पार्ट द पोस्ट तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है जिसके बारे में बड़े अच्छे से बताया गया है कि ये क्या सिस्टम होता है कौन सी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है जो सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट तक पहुंच जाती है आगे तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन में देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट इज ऑल्सो नोन विद द अदर नेम इसको जो है एक दूसरा नाम भी दिया गया है तो क्या नाम है इसका इस सिस्टम का ऑप्शन आपके सामने है फर्स्ट पैन द पोस्ट फ्रॉस्ट पार्ट द पोस्ट लिटी सिस्टम या फिर पंक्चुअलिटी सिस्टम तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्लूरलिटी सिस्टम इसको दूसरा नाम दिया गया है अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के लिए फर्स्ट पास द पोस्ट इस द मेथड ऑफ इलेक्शन प्रेस्क्राइब्ड बाय द यानी इसको जो है किसने प्रेस्क्राइब किया है मैंशन किया प्राइम मिनिस्टर ने प्रेजिडेंट ने पार्लियामेंट ने या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इसको जो है प्रेस्क्राइब किया गया है कि इसको हमें फॉलो करना है इंडिया के अंदर क्वेश्चन नंबर थर्टीन में देखिए व्हाट टाइप ऑफ इलेक्शन सिस्टम इज फॉलोड इन इजराइल आपको बताना है इसराइल में कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है इलेक्शन के अंदर ऑप्शन आपके सामने है फर्स्ट पास द पोस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनाकी है वहां पे या प्रेसिडेंशियल सिस्टम है या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वहां पर तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी इसराइल के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम फॉलो किया जाता है जिसमें हारी हुई पार्टी को भी उसी की जो वोट्स उनको मिलती हैं उसी के आधार पर उनको सीट्स दे दी जाती हैं असेंबली में पार्लियामेंट में हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखिए व्हाट इज टू अबाउट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सो ऑप्शन वन में है ये बहुत चीप है सस्ता होता है इट इज वेरी इनोवेटिव या बहुत नयास है इन दिस सिस्टम में पार्टी गेट्स अ सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एस अ इट्स प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स या फिर हम इन दिस सिस्टम में पार्टी गेट्स अ सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स एज इट्स प्रोपोर्शन ऑफ मनी स्पेंट या फिर जितना उन्होंने पैसा खर्च किया होता है तो बच्चों अगर आपने मेरा लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा उसमें जो मैंने डिस्कशन दी थी उसके अकॉर्डिंग यहां आंसर है ऑप्शन सी यानी उनको उतनी ही सीट्स मिलती हैं जितनी उनको वोट मिलती हैं जैसे कि ये नहीं हुआ कि अगर वो पार्टी हार गई है तो उसको कोई फायदा नहीं है वहां पर हारने वाली पार्टी को भी उनके वोट के अकॉर्डिंग सीट दे दी जाती है पार्लियामेंट में क्वेश्चन 15 देखिए इन प्रपोर्शन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम हाउ मेनी वेरिएशन आर देयर यानी इसमें कितने वेरिएशन आपको मिलेंगे टू या थ्री या फोर या फाइव कितना आपको लगता है तो बच्चों पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यहां आपको टू वेरिएशन मिलेंगे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर के लिए वट काइंड ऑफ कॉन्स्टिचुएंसीज आर देयर इन अर्जेंटीना एंड पुर्तगाल यानी वहां पर किस तरह की कॉन्स्टिचुएंसीज है वन uh, पार्टी है या फिर मुनाकी है या फिर मल्टी पार्टी कॉन्स्टिचुएंसीज है या फिर मल्टी मेंबर कॉन्स्टिचुएंसी है, है वहां पर तो बच्चों इन दोनों में से मुझे लगता है होना चाहिए तो क्या है करेक्ट आंसर यहाँ पर यस राइट आंसर इज ऑप्शन डी मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन के लिए अगर हम इसराइल की बात करें आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स इलेक्शन आर हेल्ड यानी कितने सालों के बाद वहां इलेक्शन होते हैं थ्री ईयर्स फोर ईयर्स फाइव ईयर्स या फिर सिक्स ईयर्स तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी फोर ईयर्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन के लिए वट काइंड ऑफ सिस्टम हैज़ बीन अडोप्टेड बाई अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट वाइस प्रेजिडेंट एंड इवन इलेक्शन टू द राज्यसभा अब आप बताइए कि अगर हम प्रेसिडेंट को चूज करना है या वाइस प्रेसिडेंट या फिर राज्यसभा के लिए जब इलेक्शन होते हैं तो किस तरह का सिस्टम फॉलो किया गया है इंडिया में डायरेक्ट वोटिंग बाय द पीपल और डायरेक्ट वोटिंग बाय द पोलटिकल पार्टीज और ए थर्ड एंड द कॉम्पलेक्स वेरिएशन ऑफ द पी सिस्टम या फिर हम कहें डायरेक्ट वोटिंग बाय द लोकसभा तो बच्चों यहां करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी जो एक थर्ड और कॉम्प्लेक्स वेरिएशन है जो प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसको हम फॉलो करते हैं यानी हम कहेंगे कि इनडायरेक्ट वे से आ, सब कुछ होता है हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए व्हाट इज द थर्ड वेरिएंट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अब आपको उसी वेरिएशन की बात करनी है जिसके बारे में डिस्कस किया गया है तो क्या है वो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम है या फिर नन ऑफ दीज है तो बच्चों यहां पर जो उसका थर्ड वेरिएशन है वो है सिंगल ट्रांसफिरेबल वोट सिस्टम जो है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का थर्ड वेरिएंट है उसको हम कहेंगे ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में देखिए हाउ द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड यानी राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे इलेक्ट किया जाता है बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं जैसे जितने भी एम होते हैं हर स्टेट के अंदर uh, वो या फिर द वोटर्स आर द एमएलए इन दैट स्टेट या हम कहें द वोटर्स एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ दट स्टेट यानी ये एक्चुअल में आर नहीं इसको हम एंड कहेंगे और या फिर हम कहें बोथ ए एंड बी दोनों ही इसमें करेक्ट होने चाहिए तो बच्चों आपको क्या लगता है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन के लिए वट इज टू अबाउट ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यानी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में क्या बात बिल्कुल सही है इट इज ए वेरी यूजलेस सिस्टम इट इज नॉट वेरी सक्सेसफुल सिस्टम इन इंडिया इन दिस सिस्टम द वोटर्स गेट चॉइस नॉट सिंपली बिटवीन पार्टीज बट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स और नन ऑफ दीज तो बच्चों यहां पर अगर हम देखें ऑप्शन सी जो है वो सबसे बढ़िया ऑप्शन लगता है कि यहां पर चॉइस uh, मिलती है आपको पार्टीज में नहीं बट स्पेसिफिक कैंडिडेट्स के बीच में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में देखिए इन वे सिस्टम द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी लिस्ट अब आपको बताना है किस सिस्टम में पार्टी लिस्ट के बेस पे रिप्रेजेंटेटिव को चूज किया जाता है तो ऑप्शन आपके सामने है फर्स्ट पास द पोस्ट या पी आर सिस्टम प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन सिस्टम या मोनाकी सिस्टम या प्रेजिडेंशियल सिस्टम तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ये ऑफकोर्स द राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री के लिए हाउ डज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हेल्प द पार्लियामेंट आपको बताना है जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो पार्लियामेंट की हेल्प कैसे करता है द मेंबर्स रिमेन रेगुलर इन पार्लियामेंट द मेंबर्स फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन इट हेल्प द गवर्नमेंट टू फंक्शन स्मूथली एंड इफेक्टिवली बाई फेसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल गवर्नमेंट और नन ऑफ दीज तो बच्चों यहां देखिए जो सबसे बड़ी बात है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की जैसे हम बात करें तो उसमें क्या होता है एक तो मेजोरिटी ऐसा भी होता है जबकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है सभी को मौका दे दिया जाता है चाहे वो हारा हुआ भी है यहां पर क्या है जिसके पास ज्यादा सीट्स हैं ज्यादा वोट्स हैं उसी को मिलती है तो इसका मतलब यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू फंक्शन स्मूथली एंड इफेक्टिवली बाय फैसिलिटेटिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेबल गवर्नमेंट क्योंकि जिसके पास मेजोरिटी है तो वो स्टेबल uh, गवर्नमेंट दे पाएगा इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर में देखिए डिड इंडिया स्टार्ट विटनेसिंग ए मल्टी पार्टी कोलिशन इंडिया में मल्टी पार्टी कोलिशन कब से स्टार्ट हुआ बिफोर नाइनटीन एटी नाइन या फिर टू थाउजेंड और आफ्टर एटी नाइन या फिर ऑफ नॉर्थ तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आफ्टर नाइनटीन एटी नाइन जो है ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था कोलिशन का मतलब क्या होता है जब दो तीन पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव में देखिए वाई वॉज इट डिसाइडेड टू अडोप्ट सिस्टम ऑफ रिजर्व यानी रिजर्व कॉन्स्टिचुएंस को क्यों डिसाइड किया गया कि अब ऐसा करना चाहिए तो वोटर्स को खुश करने के लिए या लीडर्स को खुश करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड करने के लिए या हम कहें कि नन ऑफ दीज तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहां मैं स्टॉप करूंगा But, I will definitely bring the part two very soon, so keep on watching the classes and if you really like the video, don't forget to like share and subscribe this youtube channel have very nice day.